हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत ही प्यारी अमर खान। और आज तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको देख रहा मुझे कुछ जुनैद जमशेद का पुराना गाना याद आ रहा है। कौन सा बताओ भाई? वो जो गोरे रंग का जमाना स्पेशली वो, लेकिन इतनी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लगे। थैंक यू। मुझे खास जो मैं उस दिन मैं आई थी बहुत मॉडर्न। हाँ। आज मैं बिल्कुल ईस्ट, मुझे झुमके पहनने थे इसलिए मैंने ये जोड़ा पहना। क्या बात है, जोड़ा भी बहुत जबरदस्त, झुमके बड़े जबरदस्त। हमारी बहुत ही प्यारी इनाया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इनाया। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी जनाब? आई एम ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी है? आपको याद होगा लास्ट वीक मेकअप का शो किया था और कितना जी ज़ैनब और इनाया ने तो इतने लोगों को कमाल कमाल टिप्स दी थी। और हमारी बहुत ही प्यारी कुत्सिया हमारे साथ मौजूद है। कुत्सिया वालेकुम सलाम, कैसी है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। हमने भी किया हुआ है। बिल्कुल हमने भी किया साथ। और भी हाँ, ये इतनी एक क्योंकि हमें बहुत शौक है कि हम लोगों को ना जरा गाइड भी करें। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से ना शौक होता है जब कोई मेकअप कर रहा होता है देख के एंजॉय करते हैं। तो कुछ मेरी हालत ना जब कोई मेकअप कर रहा था ना तो उस बच्चे जैसी हो जाती है जो बहुत शौक से किसी का मेकअप होते हुए। अच्छी बात है, तुम कॉन्सेंट्रेशन से तवज्जो से देख रही हो मेकअप, तभी तो सीखते हैं पेरेंट्स। हाँ अच्छा लगता है। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये मेकअप वैनिटी का जो मैं जिक्र भी कर थी कि हमने तो बच्चों ने हमारे पास ऐसी कोई मेकअप वैनिटी नहीं थी। जब ऐसे से बड़े हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू हुई, कोई मामू बाहर से आए, कोई लिप पेंसिल उन्हें दे दी, लिपस्टिक दे दी, आई पेंसिल दे दी, तो वहाँ से चीज़ें शुरू करना जमा करना शुरू की। लेकिन आजकल की तो 12-13 साल की बच्चियों के पास इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्डिनरी की। आपने मेकअप वैसे कब करना शुरू किया था ये बताएं? वैसे तो मुझे पता बचपन से बहुत शौक था, मैं अपनी गुड़िया का भी मेकअप करती थी, मैं मम्मी की एक लिपस्टिक लेकर उसके ना आँखों पे, तो ये और मैंने अपना मेकअप आई थिंक मैं प्रॉपर 7th 8th क्लास से मुझे बहुत शौक था। तो मेरी नानी ना मम्मी खबरदार अगर तुमने मेकअप किया थी छोटी हो, 9th क्लास में कहती थी छोटी हो, तो मैं मेरी नानी ने मुझे कहा कि तुम जो पान दान का कत्था होता है ना कि चल ले ऐसी ले, तुझे शौक है ना तो ये लगा लो होठों पे ऐसे गुलाबी गए, और मैं वो लगाती थी। मैं कहती हूँ यहाँ भी लगा दूँ ये, तो वो हल्का सा ना वो एक कलर आ जाता था और आई वाज फील सो हैप्पी। तो मुझे शुरू से बहुत शौक था, मैंने अपने आईब्रोज तक ना खुद से बनाना 9th, क्योंकि मम्मी ने कहा कोई नहीं जाना पार्लर। 9th क्लास में इंसान बड़ा होता है उस वक्त, नहीं बहुत छोटी हो खबरदार अगर कुछ किया। और मैंने वही ना जो बनाकर और जो आप नॉट बांध लेते हैं देखा, अच्छा मम्मी को देखा था मैंने उस वक्त, क्या कोई है सोशल मीडिया मोबाइल तो था नहीं, तो मैं यूं करके ना अच्छा कौन पकड़े, कट्स भी आए, लेकिन यकीन को अपनी पहली आईब्रोज मैंने खुद बनाई। या वो दिन और आज का दिन है, खुद ही बनाती हूँ। क्या बात, मैं है पार्लर जैसे नहीं बनाती, खुद ही बनाती हूँ। क्या बात है इनाया, आपने सबसे अपनी लाइफ में मेकअप कब करना शुरू किया था? मुझे वैसे तो बचपन से ही शौक था। हाँ। मुझे रेड लिपस्टिक ऑब्सेशन थी मुझे बचपन में, छोटी उम्र से ही। अम्मी ने मुझे ईद त्यौहार पे ना, हम अमेरिका में जब होते थे तो वहाँ पे अम्मी को देखा बस बड़े होते कि भाई वो मेकअप कर रही है घर में एंड शी इज लाइक रेडी एंड स्टफ, तो वो अम्मी हमेशा ना थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा के रेड लिपस्टिक ला रही, वो अभी बिल्कुल फैल जाती थी। तो मुझे याद है मेमोरीज में बचपन की पिक्चर्स भी छोटी छोटी जब मैं थी तो मेरी लिपस्टिक भी फैली हुई है आई एम लाइक ऑन ईद, तो वहाँ से मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। फिर उसके बाद प्रोफेशनली मेकअप मैंने स्टार्ट किया व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 14, तब से मैंने प्रॉपर मेकअप, मेरी फर्स्ट टाइम आईब्रोज भी 14 ईयर्स में जब मैं थी मैंने बनाई थी। आप भी शेयरिंग इस वक्त एग्जैक्टली, और मेरी आईब्रोज बिल्कुल बुशी वाली नहीं होती जिसमें आप बहुत ही जिसमें आप कहते हैं लड़कों की आईब्रोज उस टाइप की थी, जो आजकल बहुत चल रही, तो मैंने उस वक्त फुल बाल बहुत लंबे और हेल्दी थे और मुझे बचपन में मेकअप का इतना वो था भी नहीं, माय स्किन वाज अल्हम्दुलिल्लाह वाज वेरी गुड। लेकिन बचपन से जो मेरी पिक्चर्स है ना, मेरी दादी के बहुत लंबे बाल होते थे वाइट, और उसके अंदर मैं ब्रीड कर रही हूँ और चुटकियाँ लगा रही हूँ। देन आई हैव पिक्चर्स विद माय कजिन्स, अपने मैंने लड़के कजिन्स के सर क्लिप से बटरफ्लाई वाली क्लिप्स और पता नहीं हर किस्म की क्लिप से भरी हुई हैं, अपने सर सबके क्लिप्स और डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। एंड आई थिंक स्कूल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इंट्रीग करती थी, मैं सुबह जल्दी उठ के, नींद तो आती नहीं थी,
तो मैं जल्दी उठ के जो चीज करती थी, मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करती थी, एंड अभी भी आई कैन डू वाटरफॉल ब्रेड और ये ब्रेड और वो ब्रेड और सारी रियली हार्ड मेकअप, मतलब पता नहीं उस वक्त आती थी, मोहब्बत का रोग लग गया, मतलब क्या 12 13 साल की थी, नहीं ये आपको फास्ट पता है कि मेरे बाल बनाने की टेंशन है, और तब क्या स्कूल जाते थे, घर आए, टीवी देखा, स्नैक्स खाए, सो गए तो उठ ही जाते थे, यू नो कितना ही आप सो सकते हो भाई। मैं तो रोलर्स डाल कर, क्योंकि जब पहले कहा ब्लो ड्राई कुछ नहीं, सॉक्स वाले हल्के नमी रात को, नहीं रात को पूरे रोलर्स डाल कर पिने वो वाली ना, और मैं सोती थी, कभी यहाँ चुभ रही है, कभी यहाँ, मैं कहती नहीं नहीं बर्दाश्त कर लूंगी, फैशन में मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी लिटरली। और सुबह मैं खोलती थी वो ऐसे फ्लिक्सेस, और फिर कॉमर्स कॉलेज जब होता जाते तो उसमें ब्लू आई पेंसिल, ब्लू लगा के, ब्लू मस्कारा, बाल खुले हुए, तो शुरू से ही एक शौक है, मतलब सारी मेरा हमेशा हेयर का ज्यादा था। अच्छा, अब टीचर्स एक टाइम पे बुली भी करती थी ना, मुझे याद है एक टाइम वैसे ही मुझे, आई थिंक ग्रेड 7 में वैसे ही मुझे शौक हुआ काजल, यू नो मैंने वो लगा के मैं स्कूल गई, और टीचर ने ऐसी अजीब सी बुलिंग मेरी की, आई थिंक मुझे मेकअप का कभी वो नहीं हुआ ज्यादा, बट अराउंड 16 हमेशा आई वुड वांट टू गेट माय हेयर ब्लो ड्राइड फॉर स्कूल ट्रिप, ये वो शादियों के लिए ब्लो ड्राई करवाना होता था। एट दी एज ऑफ 12 मुझे स्ट्रेटनर खरीदना था, मैंने खरीदवाया बाबा से। अच्छा, हाँ बस स्ट्रेट, बट बालों का ज्यादा शौक था, मेकअप का इतना तब था भी नहीं ट्रेंड, ना अम्मा ज्यादा करती थी ना दोस्त ये वो। तो अराउंड द एज ऑफ 16 मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स और ऑलरेडी प्रो एट मेकअप, और वो हर वक्त इतनी प्रेजेंटेबल लगती थी कहीं भी जाने के लिए, वैसे ही सुबह उठ के शॉपिंग से पहले तैयार, और मुझे तो पता भी नहीं, मेरे पास ना कंसीलर ना कुछ, तो आई थिंक फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड्स, उनको देख देख के, यू नो शादियों वगैरह के लिए थोड़ा कर करके मैंने मेकअप गैदर करना शुरू किया, उनसे सीखना शुरू किया, एंड आई वुड से 16 पे मे बी इसी तरह कभी कभी किसी इवेंट के लिए मैंने मेकअप करना शुरू किया, बट 17 18 तक आई थिंक मैंने कभी प्रॉपरली मेकअप ना किया ना कभी जरूरत पड़ी, उसके बाद मुझे हुआ मैं इतना बुरा मेकअप करती थी, चिट्टी फाउंडेशन, शार्प कॉन्टूर, बहुत बुरा होता था। आई वुड से पिछले 2 साल में शायद जाके मैंने सही मेकअप करना शुरू किया। अच्छा, हमारे यहाँ तो अलाउ ही नहीं था ना, मेरी अम्मा भी बहुत कम मेकअप करती हैं, तो मुझे तो सिर्फ जब मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज भी, तो एक सुरमा आता था, वो लगाने देती थी, और बालों में तेल लगा कर कस के चोटियां वो तो कोई था ही नहीं, कुछ अलाव ही नहीं था हम लोग को तो, और मतलब आई यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, तो मैं उस वक्त उतना, और पढ़ने पर ध्यान होता था मेरा, मेकअप इन चीजों पर बिल्कुल भी नहीं था। मेकअप आई स्टार्टेड डूइंग इट व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नी ए प्लस मैनेजमेंट में, मेरी इंटर्नी थी तब, दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि मेकअप आर्टिस्ट होता है और मेकअप है, और फिर सारा, फिर वहां से मैंने अपनी चीजें करना सीखी, और अभी तो पता होता है हर चीज का, कहां कैसे, अब आंखें बंद करके मेकअप, अब तो लिटरली बिना शीशे के देख के अंदाजा हो जाता है अपना कर सकते हैं। मैंने लिटरली अभी कुछ दिन पहले मैं शूट पे लेट हो गई थी, मैंने कहा था मैं कॉल टाइम लेट रखी, मुझे, मैं घर से तैयार होकर आऊंगी, मेरी आंख लग गई, मुझे एंड टाइम पे कॉल आई, ड्राइवर आ गया, पूरे रास्ते गाड़ी में, पूरे रास्ते मेरे मेकअप किया है यूं गाड़ी में, मैंने कहा दिस, इसके बाद तो मुझे तो अवार्ड मिल गया, ह्यूमन अल्लाह ने हमें टैलेंट दिया है, हम किसी भी सिचुएशन में कर लेते हैं, एंड मुझे तो अब तो इतनी आदत है, मैं तो जब वो ड्राइव करती ना तो सिग्नल्स पे जहाँ पे रुकती थी ना वहाँ पे मेकअप शुरू, मैं चलती गाड़ी, मुझे बहुत नौजिया होता है, मैं इसके आगे बैठती हूँ, एंड वरना तो मैं आराम से कर लूँ, आई कैन नॉट, जरा देखा उसके बाद तो मेरा जी मत लाना शुरू हो जाता है, तो आई कैन नॉट। कभी कभी ना गाड़ी में, और वो भी नहीं कि, ये भी नहीं कि दिन में या कुछ, कभी कभी रात में किसी डिनर वगैरह के लिए लेट होते हुए मैंने गाड़ी में इतना अच्छा मेकअप किया है, अच्छा निकला, मेरे दोस्त है ना, मेरे दोस्त कहते हैं हाउ, आई थिंक मे बी बिकॉज लो लाइट होती है तो आप शीशा बहुत करीब कर कर बिकॉज राइड नॉर्मली लंबी होती है, जब आप लेट हो रहे होते हैं किसी चीज के लिए, यू नो करीब होता है तो इतनी टेंशन नहीं होती, तो वो 30-40 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ना उसमें मेकअप ऐसा परफेक्ट निकलता है, पता नहीं कैसे। अच्छा, अब तो क्योंकि आप सब लोगों की अपनी वो जो मेकअप वैनिटीज हैं, वो जिसकी बात करते हैं ना कि बचपन में तो हमसे उसको देख के मैं हसरत से देखती थी कि अच्छा ये पता नहीं कब आएगी, तो इसलिए कि शादी होगी, लेकिन शादी से पहले ही हमारी ऐसी कमाल वैनिटी के लोगों ने कहा जब शादी वक्त उनको वैनिटी चाहिए, मैंने कहा वैनिटी व्हाट वैनिटी, पहले बहुत दी जाती थी वैनिटी, पहले बहुत दी जाती थी, और वो जिसमें स्टोरीज होती थी, क्योंकि उस जमाने में शादी के बाद यू वर एलिजिबल, उससे पहले आप मेकअप करें तो
चाहिए क्या ये शादीशुदा वाली शादी के बाद मेकअप एग्जैक्टली डार्क लिपस्टिक शादी के बाद उसमें लिपस्टिक्स में ना तीन आदमी अब वो मेरी अम्मी की लिपस्टिक्स कभी गिफ्ट लेकर आते थे उसमें तीन कलर की लिपस्टिक ज्यादा होती थी एक उसमें होती थी रेड एक उसमें ब्राउन और एक होती थी फूशिया पिंक ये जो तीन कलर है ना उससे बड़े होते हैं अच्छा आपकी मेकअप वैनिटी में आप लोग की मेकअप वैनिटी आपके पास है यहाँ पे अभी हाँ तो आपकी मेकअप वैनिटी में ऐसी कौन सी चीज है जो कि जिसका होना मस्ट है और आपकी बहुत फेवरेट है उसके अलावा देखिए अगर कंसीलर हो तो फिर या तो पाउडर भी हो आई एम नॉट द टिंट काइंड ऑफ गर्ल तो इफ माय लिप्स आर मॉइस्चराइज्ड लैश एक्सटेंशन से वैसे ही बड़ा फायदा होता है आपका मेकअप यस यू फील रेडी मिनट के अंदर आपने मैं कहती हूँ आपने सिर्फ रेड लिपस्टिक लगा ली ना इनके ऊपर और जिन लड़कियों की नेचुरली आईलैशेस और आईब्रोज थिक होती हैं वो टिंट रखती हैं फिर यू नो बिकॉज टिंट इज लाइक समथिंग जो हम सोचेंगे नहीं पहले लैशेज है फिर लिप्स है अभी वो दूर की बात है अच्छा आपकी मेकअप वैनिटी में से क्या चीज है जो मस्ट है कंसीलर इज लाइक ऑन द गो है ना कि आपको बिल्कुल क्विक अगर कुछ नहीं भी करना नो मेकअप लुक रखना है तो जस्ट यू जस्ट कंसील इट एंड लिप बाम एंड यू आर गुड टू गो जबरदस्त आप और आपकी अंबर जी आप बताएं ओ हो वैनिटी में एक ही चीज मस्ट है तो ऑब्वियसली सबसे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ताकि आपके स्किन में थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी नहीं है तो एक इवन टोन देता है ठीक है ना तो वो जरूरी है और साथ में कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करें आप मैक का यूज करें किसका यूज करें जरूरी नहीं है मैं हमेशा जो है ना मैं हमेशा मैक का किया है लॉरा मर्सियर का भी लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे फाउंडेशन पाउडर मैं जान बुझ के वही लाई हूँ मैं वही इस्तेमाल करती हूँ हम बिल्कुल और शेयर भी वही करेंगे अब मैं अच्छा मेकअप मैं बाहर से फाउंडेशन पिछले दो साल से मैं बिल्कुल नहीं खरीद रही हूँ यकीन करो मैं यही लगाती हूँ यही के इस्तेमाल करती हूँ एंड बेहतरीन इनकी कवरेज नथिंग लाइक इट तो जो आपने अभी फाउंडेशन लगाई वो भी पाकिस्तान वो पाकिस्तानी है बिल्कुल पाकिस्तानी आई वुड एग्री विद दैट बिकॉज यहाँ के जो स्किन का हमारा टेक्सचर है ना जिस तरह वेदर है पाकिस्तान की ही ब्रांड्स के वहाँ के बहुत लाइट होते हैं आपकी ट्रांसपेरेंट क्योंकि वहाँ की स्किन में पिगमेंटेशन इतना हमारी एशियन स्किन में जितनी पिगमेंट्स है तो पिगमेंटेशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये कंसीलर नहीं है वो नहीं तो यहाँ का स्किन टोन बहुत अच्छा है हमारे जो फाउंड लवली मेकअप मैं कहती हूँ हर मेकअप यहाँ मिल जाता है ऑनेस्टली पता है एक चीज जिसके बारे में बहुत खुश हूँ लोग कहते हैं पाकिस्तान प्रोग्रेस शायद इतना जल्दी नहीं कर रहा या ये वो ये मसले हैं हमारी फैशन और मेकअप इंडस्ट्री इन द पास्ट आई थिंक कोविड से इट वेंट बूम लिटरली फ्रॉम फाउंडेशन टू पाउडर लिप ग्लॉस ये वो एक से बढ़कर एक न्यू ब्रांड्स हैं देयर इज दिस वन प्रोडक्ट व्हिच आई रियली लाइक एक तो कुछ सालों पहले वो जीरो की एक मेकअप किट आई थी जिसमें कंसीलर कॉन्टोर और लिप और ये टिंट था और पाउडर एक तो वो बहुत अच्छा था बट दैट्स स्टिल लिटिल एक्सपेंसिव दिस न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद इट्स लाइक स्किन केयर इन्फ्यूज्ड मेकअप जो यू नो ज्यादा ट्रेंडिंग है स्किन केयर अब बहुत ट्रेंडिंग है एक ही ट्यूब में दिस कंपनी आईना ब्यूटी एक ही ट्यूब में इट्स अ टिंटेड मॉइस्चराइजर विद एसपीएफ तो वो मॉइस्चराइजर भी है उसमें हल्की सी स्किन टिंट भी है और उसमें सनस्क्रीन भी है सो आई मीन यू आई यूज दैट बहुत है ना काइंड ऑफ अ बीबी क्रीम एंड इट डजंट इवन नीड अ पाउडर वो खुद ही से वो इट्स अ टिंटेड इट्स बेसिकली अ मॉइस्चराइजर एंड फाउंडेशन एंड सनस्क्रीन मिक्स्ड एंड एवरीथिंग हां इट्स परफेक्ट या